125 गज सबसे ज़्यादा बनने वाले यानी कि सबसे ज़्यादा प्लॉट्स हैं जिस पर सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग छोटे घर को जल्दी बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से कंपैरेटिवली। लेकिन जिस तरह महंगाई हुई है, आलमी महंगाई, फिर पाकिस्तान में आपको पता हम दो हाथागी चल रहे होते हैं हर मामले में तकरीबन, तो पाकिस्तान में महंगाई की वजह से बहुत बड़ी तादाद लोगों की घर बनाते हुए मुतासर हुई है, बिल्डर भी मुतासर हुए हैं, ना सिर्फ 125 के बल्कि जितना बड़ा घर जिस जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उतना ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि चीज़ों में जो तब्दीली आई है, जो कॉस्ट में तब्दीली आई है वो नाकाबिले यकीन थी और अभी भी है। और हम आपको एक और बात बता देते हैं कि आने वाले 3 महीनों में महंगाई और ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं जो मईशत समझने वाले लोग हैं। अभी राइट नाउ 125 गज पर अगर आप हमसे घर बनवाना चाहते हैं 1 ईयर के प्लान पे, तो हम 90 लाख रुपए आपसे कॉस्ट चार्ज करेंगे आपको 125 गज का, नंबर वन क्वालिटी ए प्लस क्वालिटी का घर बना कर देंगे। 125 गज का होगा, 3 कमरे या 4 कमरे ये आपका फैसला है, अलबत्ता 2000 कवर्ड एरिया होगा और वो 10 मंथ्स में आपको पेमेंट 10 से 12 मंथ्स में आपको पेमेंट करनी है। 90 लाख चार्जेस होंगे पूरे घर बनाने के सिर्फ कंस्ट्रक्शन के। अगर आपने कहा कि 2000 कवर्ड एरिया, तो किस तरह से उसको रेट क्या है इस वक्त जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से? सर छोटे प्लॉट पर 4500 है, वैसे जैसे जैसे आप बड़े प्लॉट्स की तरफ बढ़ते रहते हैं तो चूँकि आपको पता है कि बड़े प्लॉट पर ना आप डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट फिनिशिंग की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीरियर्स में इजाफा कर सकते हैं, बड़ी टाइल्स वहाँ पर रेट है 5000 पर स्क्वायर फीट का। अच्छा। लेकिन एक सिर्फ 125 में 4500 पर स्क्वायर फीट हम चार्ज करेंगे राइट एट द मोमेंट, यानी 90 लाख रुपए आपसे चार्ज किए जाएंगे। बहुत ज़्यादा हो गया 90 लाख रुपया, कि अगर 60 लाख 70 लाख में यहाँ पर जहाँ पर लोग रहते हैं बैरियर टाउन में, वहाँ पर वो 125 यार्ड का प्लॉट ले रहे हैं और उससे मतलब 1.5 गुना ज़्यादा कीमत पर कंस्ट्रक्शन चली गई है। पहले ये चीज़ें इधर थी और अब ये चीज़ें इस तरफ चली। मुदस्सिर भाई देखिए, हमने 50 लाख से बताना शुरू किया था, बुकिंग की, बनाए, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। 50 लाख का प्लॉट होता था, 50 लाख की कंस्ट्रक्शन थी, 50 लाख का प्लॉट था, 55 लाख की कंस्ट्रक्शन हुई, 60 लाख का प्लॉट हुआ, 70 लाख की कंस्ट्रक्शन हो गई। प्लॉट कम बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हर रेस में जीती है और कंस्ट्रक्शन की रफ्तार का किसी से मुकाबला नहीं है। प्लॉट 50 का हो गया, कंस्ट्रक्शन 90 पे चली गई है। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख से बुकिंग देना शुरू की थी विलास की, 1 40 हुए, 1 50 हुए, 1 60 हुए, तो जितने विलास अल्लाह ताला ने बनवाए, अल्लाह ताला की मेहरबानी से तमाम क्लाइंट्स तकरीबन मुतमिन हुए और जहाँ कहीं कमियाँ थी उसको हमने पूरा किया। लेकिन आपने जो सवाल किया कि बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है, और ये यकीन जानिए हमें कल का नहीं पता कि सीमेंट की बोरी की क्या प्राइसेस आएंगी, स्टील कहाँ पे जाएगा, ब्लॉक की क्या रेट है, फिर उसके बाद पानी भी यहाँ तो ख़रीदना पड़ता है, पानी भी ख़रीदना पड़ता है, सर सारे मसाइल हैं। तो इन मसाइल या इस इन्फ्लेशन को देखते हुए 90 लाख रुपये, और ये भी हम डर के मांग रहे हैं कि कहीं ऐसा कुछ महंगाई का तूफ़ान ना आ जाए पाकिस्तान में कि जिससे हम अपने कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा मांगने में शर्मिंदगी फील करें, शर्मिंदा हों, क्योंकि हम एक कमिटमेंट कर रहे हैं और यही रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर कभी एक बहुत तूफान नुमा महंगाई आ जाए तो दूसरे एंड वालों को भी थोड़ा बहुत समझना चले चाहिए। हम इसको घर में आते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें ए प्लस कंस्ट्रक्शन है वो है, और 125 यार्ड में कितने रूम्स, किस तरह लाउंज, क्या चीज़ें जो हैं वो होती हैं। मुख्तलिफ ऐसे हम वीडियोज़ भी साथ साथ कुछ हमारे बड़े अच्छे घर जो हैं ए प्लस कंस्ट्रक्शन के और लोगों की फरमाइश के मज़ीद जो अच्छे हैं उनका भी साथ दिखाते हैं, लेकिन समझने के लिए कि क्या चीज़ें वो हम अली से बात भी करते हैं। जैसे भाई देखें, 2-3 चीज़ों का बड़ा अहम किरदार है, लकड़ी का काम, किचन की कैबिनेट्स और टाइल्स, वॉशरूम की टाइल्स और रूम की टाइल्स, सब कुछ बस यही है। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद अगर आपके कहीं पैसे सबसे ज़्यादा स्पेंड होते हैं वो लकड़ी के काम पे और टाइल्स पर, महंगी से महंगी टाइल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, आप अपने बजट के लिहाज से 2000 2200 2500 वाली टाइल का इंतखाब भी कर सकते हैं। वॉशरूम महंगे बनते हैं,
रूम्स 3 होंगे, 4 भी हो सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम है, वॉशरूम 7 है, किचन है, पाउडर वॉशरूम है, ड्राइंग और लाउंज को आप खुला भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। बंद करने से थोड़ा तंगी का एहसास होगा, लेकिन अगेन लोगों ने किया है क्योंकि लोगों की फरमाइश थी, हमने उस पर ये काम किया है। फर्स्ट फ्लोर पर लोगों ने जो स्टैंडर्ड साइज रखे हैं वो 2 बेडरूम्स हैं और लाउंज रखा है। लाउंज का साइज़ बड़ा अच्छा है। कुछ लोग, एक पार्ट है जो टेरेस के साथ होता है, उसको वो या तो स्टोर की शक्ल दे देते हैं या फिर वो उसको किचन बना लेते हैं, अगर जिन्होंने 1 यूनिट नहीं रखना होता घर। तो जो ऊपर का बेडरूम है वो एक मास्टर होता है और एक छोटा बेडरूम है, लेकिन स्टैंडर्ड 3 बेडरूम्स हैं। अलबत्ता कुछ लोगों ने अपनी फैमिली की मुनासबत से 4 बेडरूम भी बनवाए हैं, लेकिन अगेन ये आपका फ़ैसला है, पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर इससे कोई फ़र्क ज़्यादा आता नहीं है। आप जहन में रखें, अगर आप अभी घर बनाएंगे तो आपके पास 90 लाख रुपए होने चाहिए और आपने स्टील ब्लॉक, स्टील को ख़ास तौर पे बाय कर लेना है। कोशिश करनी है कि फिनिशिंग की चीज़ जब आप करने जाएं तो आप प्लान्ड हो कि हमने ये टाइल्स लेनी है, ताकि आप वो पूरे घर की इन 1 गो में ले सकें, क्योंकि टाइल्स ख़राब नहीं होंगी 1 महीना 1.5 महीना। तो इसी तरीके से आप पैसे बचा सकते हैं। अलबत्ता अगर आप बुकिंग चाहते हैं करवाना, मतलब अपने प्लॉट पर घर, तो आप सर्विसेज ले सकते हैं। और इंशाल्लाह विला बुकिंग की वीडियो में एक दफ़ा फिर से कर लेंगे किसी और दिन, ताकि तफसील से बताएं कि अगर आपके पास प्लॉट नहीं है तो आप घर कैसे बना सकते हैं बैरिया में किस्तों पर। अच्छा, अगर हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें कि अब इसमें कंप्लीट यानी कि तैयार करके हर चीज़ फिनिश करके वो तब दिया जाएगा, या उसमें भी कुछ चीज़ें और फिर हिडन चार्जेस में बड़ा मसला होता है कि जी अब रेट बढ़ गया है तो अब रेट आप दे दीजिए, और एक सवाल और ये भी हो गया तो ये कर दीजिए। उसमें एक चीज़ और भी है, लोगों को ये भी बताना है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस शामिल नहीं है। हाँ। क्योंकि आप ये ना समझ लीजिए कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस डॉक्यूमेंटेशन में तकरीबन 4 लाख रुपए NOC, MEP टेस्ट, सॉयल टेस्ट, जो है वो सॉयल टेस्टिंग के हैं, MEP के हैं, NOC के हैं, फिर कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के हैं, ये 4-5 तरह के चार्जेज हैं जो कि इलेक्ट्रिक मीटर के हैं, कि ये तकरीबन 4 लाख रुपए का खर्च आज के दिन है, तो 10-20 हज़ार प्लस माइनस हो सकता है। एग्जैक्टली आपको प्लान भी शेयर कर दिया जाएगा। तो खैर, ये चार्जेस एक्सक्लूडिंग, अलबत्ता आज की डेट के मुताबिक हम इतने पैसों में घर ज़रूर बना के दे सकते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। शुक्रिया अली, तफसील के साथ आपने बताया है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं 125 यार्ड का, अगर आपके पास किसी भी प्रिसर में प्लॉट मौजूद है, तो बड़ा तरीका आसान है। नंबर नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर अब से भी देर किया तो फिर यही 90 लाख 1 करोड़ तक भी जा सकता है। जैसे हमने वीडियो में बताया कि 50 लाख 55 लाख से ये शुरू हुई कंस्ट्रक्शन, और आज 90 लाख तक ये पहुँच चुकी है। अगर आपके पास प्लॉट है तो घर बना सकते हैं, तो फौरी तौर पर इस घर को शुरू कीजिए। नंबर पर रब्ता कीजिए, कॉमेंट में भी आप बात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।